नॉर्मली जब मैं नई गाड़ी दिखाता हूँ आपको, मैं गाड़ी के साथ बाहर खड़े होकर दिखाता हूँ, मगर 5 सीरीज लॉन्ग व्हील के साथ मैंने सोचा वाई नॉट स्टार्ट विथ द मेन टॉकिंग पॉइंट विच इज द रियर सीट, क्योंकि पहली बार 5 सीरीज आ चुके हैं लॉन्ग व्हील बेस में, तो इसका मतलब है कि व्हील बेस लंबा है एंड रियर सीट पे ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि इस सेगमेंट में मोस्टली सब कस्टमर्स पीछे बैठते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रियर सीट एंड लेट मी शो यू व्हाट दिस न्यू 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस इज ऑल अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द रियर सीट, क्योंकि यहाँ पे व्हील बेस में BMW ने काफ़ी लंबा किया है। पहली बात, द डोर इज ऑल्सो मच मोर लॉन्गर एंड दैट गिव्स द कार अ वेरी एलिगेंट लुक, बट इंटीरियर में स्पेस इज ह्यूज। माई हाइट इज 6'1", एज यू कैन सी इवन विद द सीट पुश्ड ऑल द वे बैक देर इज टन्स एंड टन्स ऑफ स्पेस। तो पुराने 5 सीरीज से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस आपको मिलता है एंड यू कैन रियली सिट एंड स्ट्रेच आउट। यहाँ पे आपको कुशन भी मिलता है, तो इट फील्स मोर लाइक अ 7 सीरीज नाउ इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। द सीट्स आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, यू सिंक इन एंड आपको अच्छा थाई सपोर्ट भी मिलता है एंड द विंडो लाइन इज ऑल्सो गुड। प्लस इंपॉर्टेंटली 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस अब आती है एक पैनोरामिक सनरूफ के साथ। जी हाँ, पुराने वाले 5 सीरीज से इसका सनरूफ 90% ज़्यादा है एंड दैट ब्रिंग्स एन एलिमेंट ऑफ एयरीनेस टू द कैबिन। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलता है एंड यू गेट अ होल लॉट ऑफ फीचर्स। तो रियर सीट इज डेफिनेटली ह्यूज ह्यूज स्टेप अप और कस्टमर्स जो मोस्टली शॉवर ड्रिवन होते हैं, दिस इज द प्लेस टू बी डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं सामने इंटीरियर में क्या क्या टेक है। अब अगर मैं इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, यू ऐसे लगता है कि आप बस 7 सीरीज में बैठ गए, सेम डिज़ाइन उन्होंने 5 सीरीज में भी रखा है, क्योंकि इट्स ऑलवेज बिन लाइक दैट। 5 सीरीज हैज़ ऑलवेज मिरर्ड व्हाट द 7 सीरीज वाज लाइक एंड डेफिनेटली यहाँ पे 7 सीरीज की झलक आपको मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑल द बेसिक सेंट फीचर्स आर बेसिकली पुट अराउंड द सेंट्रल डिस्प्ले। यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है, प्लस आपको एक इंटरेक्शन बार मिलता है एंड द वेंट्स आर ऑल्सो हिडन विच इज़ वेरी क्लासी टच। Materials, fit and finish, obviously this is a 5 series BMW, top of the line executive luxury sedan, you expect the best materials aapko milta hai. I won't say much about the quality, but yahan pe I love this sort of jeweled selector, it feels very plush and it feels very techy also, and I love the speaker grill. Aur yahan pe jo overall environment hai wo sporty hai but it's still very luxurious. Massive curb display hai. Obviously, काफ़ी सारे controls अब touchscreen में आ चुके, but again, it's very nicely done as well. तो quality, fit and finish, and you get a whole lot of features, plus the latest infotainment system, and you get a massive panoramic sunroof, जो मैंने rear seat में भी बोला था। अब हम बात करते हैं styling के बारे में, क्योंकि this is a 5 series, जो अब लग रही है 7 series in terms of length, आप देख सकते हैं इतनी लंबी है कार व्हेन कंपेयर टू द अर्लियर जनरेशन 5 सीरीज एंड दिस इज नाउ 5175 है, मतलब 5 मीटर से लंबी है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट 5 सीरीज एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट लग्जरी सेडान इन, अगर आप इस सेगमेंट की अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेंथ जा चुका है इस रियर डोर सेक्शन में एंड बिकॉज ऑफ दिस द रियर डोर इज ऑल्सो मच लॉन्गर, जिसकी वजह से कार को एक ज़्यादा एलिगेंट प्रोफाइल मिलता है। मगर सामने से भी BMW ने काफ़ी अग्रेसिव लुक दिया है, इट रिमाइंड्स ऑफ द सॉर्ट ऑफ द 5 सीरीज ऑफ द ओल्डर जनरेशन। यहाँ पे एक अग्रेसिव लुक है, बड़ा आपको ग्रिल मिलता है, एलिमिनेटेड ग्रिल एंड लॉट ऑफ अग्रेसिव स्टाइल, मगर एक एलिगेंट टच भी दिया है। एक और मेरा फेवरेट एलिमेंट है दिस लाइन विच रन्स अक्रॉस एंड दिस 5 लेटर, इट लुक्स वेरी क्लासी एंड गिव्स द कार वेरी एलिगेंट फील। तो 5 सीरीज इज नाउ मच मोर लॉन्गर और ऐसा लग रहा है कि इट्स नियरली 7 सीरीज इन टर्म्स ऑफ एलिगेंस एंड डेफिनेटली लुक्स के बारे में इट्स नाउ मच मोर प्रीमियम। फाइनली हम बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में। BMW ने हमें नहीं बताया कि अभी तक कि देल व्हाट द इंजन ऑप्शंस, देल टेल अस एट द लॉन्च विच इज़ नेक्स्ट मंथ, बट अभी ऑब्वियसली दिस इज़ द 530 Li, यहाँ पे 530D भी आपको मिलेगा वी एक्सपेक्ट एंड ऑब्वियसली द पेट्रोल वर्जन। और इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल लेंथ फीचर्स एंड द क्वालिटी, यहाँ पे BMW ने काफ़ी प्रीमियम लुक दी है नए 5 सीरीज को, इट्स मच मोर लॉन्गर एंड डेफिनेटली अ ह्यूज चेंज फॉर द कार एंड वी कैन एक्सपेक्ट इसके वजह से, इस चेंज के वजह से कार विल नाउ बी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स इन इट्स क्लास एंड BMW के लिए भी दिस विल बी वन ऑफ द की मॉडल्स फॉर दिस ईयर। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन में गाड़ी लंबी है, लग्जरी के तरफ ज़्यादा BMW ने फोकस बनाया है एंड विच इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि इस सेगमेंट में लोग मोस्टली पीछे बैठते हैं एंड फॉर दैट दिस न्यू 5 सीरीज इज मच मोर ऑफ अ फ्लैगशिप नाउ, नियरर द 7 सीरीज दैन द अर्लियर जनरेशन मॉडल। ज़्यादा टेक, ज़्यादा लग्जरी एंड ओवरऑल येस BMW हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद द 5 सीरीज। चलाने में कैसी है यू विल सून गेट टू नो।